टेक्निकल प्रूफ को कर दे सब्सक्राइब और साथ में दबा दे इस बेल को और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल पुरोहित चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम स्नैपचैट के स्पॉटलाइट पर अपनी गैलरी का वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक छोटे से इंट्रो के साथ करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की होम स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले हमारा जो स्नैपचैट है उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं स्नैपचैट को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दो तरीके से आप अपने स्नैपचैट पर स्पॉटलाइट वीडियो अपलोड कर सकते हो अपने गैलरी से। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो भी ये पेज ओपन हो जाएगा। आप कोई भी एक तरीका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैमरा रोल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस कैमरा रोल पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर कैमरा रोल पर क्लिक करते हो तो आपका जो गैलरी है वो यहाँ पर खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे जो होम स्क्रीन पर अभी जो वॉल पर लगा हुआ है वीडियो का, तो मैं उसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को अगर मैं अपने स्पॉटलाइट पर अपलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ से सेंड टू पर मैं क्लिक करूँगा। अगर दोस्तों इस वीडियो में आप अगर और भी एडिटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपने वीडियो पर लेंसेज लगा सकते हो। नीचे की ओर आपको एक लेंसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पर लेंसेज एडिट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अपने वीडियो में म्यूजिक लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस एरो पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक म्यूजिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको इस म्यूजिक पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी सॉन्ग यहाँ पर लगाना चाहते हो उसको यहाँ पर ऊपर सर्च कर लेना है। उसके बाद आप उस सॉन्ग को यहाँ पर लगा सकते हो। सॉन्ग लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो वीडियो है उसको अपलोड करना है तो आपको यहाँ पर सेंड टू पर क्लिक कर लेना होगा। आप जैसे यहाँ पर सेंड टू पर क्लिक करते हो उसके बाद आपके वीडियो का जो चैट है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पॉटलाइट पर क्लिक कर लेना है। स्पॉटलाइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके वीडियो से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंड टू पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। आपको यहाँ से बैक करना होगा, बैक करने के बाद वापस यहाँ पर दोबारा बैक करना होगा और ऊपर की साइड आप प्रोफाइल पर देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे की साइड आऊँगा तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर अपलोड प्रोसेसिंग में है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना क्योंकि आपके एक शेयर से किसी को नई जानकारी सीखने को मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।